ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਰਸਤਾ। गुड मॉर्निंग गाइज, किदा हो सारे, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अर्नव गया है रोज़ तरह स्कूल, तो मैं रोज़ तरह घर, तो मैं तो जाना हूँ जिते 12 बजे तो बाद ही जाना हूँ। तो हूँ गाइज अज साड़ी हैगी एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, तो वो फिर जो करना वह रात को प्लैन किया है ना, डिनर वगैरह का जो भी आ। तो लेकिन हूँ मम्मी हूँ कहते कि अज दोपहर में लंच भी तुम मैं स्पैशल करवानी आ। तो मम्मी हुणी ना अज बनाउणे आ मशरूम, मम्मी हुणी नवे तरीके दे नाल बनाउंदे आ, तुसीं वी घर जरूर ट्राई करियो। ते गाइज आ तुसीं देख सकदे हो ये मशरूम आ, ये स्पैशल गुरदासपुर तो आए आ, जलंधर हुणी मिलदे इहदे दे मशरूम। ते अज बनन जा रहे आ मशरूम ग्रेवी, ग्रेवी मशरूम जो भी आ, मैनूं नाम नहीं पता। इहदे विच गाइज पैणे आ जिदा ये दो टमाटर आ, अदरक आ, लसण आ, प्याज आ, हरी मिर्च आ। ते गाइज सब तो पहला कढ़ाई दे विच पाया है मस्टर्ड ऑयल, तुसी जेड़ा भी मर्जी पा सकते हो, ओलिव ऑयल, रिफाइंड जो भी आ। ते गाइज हुण जिहड़े तुहानूं प्याज दिखाए सीगे उहनूं इदां कट लेना सी ना पंखुड़ियां दी तरह, ते उहनूं प्याज नूं सारे नूं कर लेना, ते जिहड़ा बच जाणा विच्चों उहनूं इदां बरीक कट लेना। ते फिर इहदे विच जिहड़ा लसण अदरक आ उहदी पेस्ट बना लैणी इदां, फिर मलाई पैणी, फिर दही पैणा, फिर टमाटर की प्यूरी आ, मशरूम, तो आ जीरा पा लिया पहला मस्टर्ड ऑयल दे विच गरम हुंदा आ, आ विच पा लैणे आ प्याज। ये अरना दे दादी जी बना रहे आ सारा कुछ, आ दादी जी हिला रहे आ, ये जद तक ब्राउन नहीं ना हुंदे इन्हां नूं इदां थोड़े थोड़े हिलाउंदे रहना, क्योंकि थल्ले ना लग जाना ना सड़ ना जाण, इन्हां नूं थोड़े थोड़े हिलाउंदे रहना। ते हुण गाइज इहदा जॉइन लै लई, इहनूं थोड़ा इदां कर लैणा, मसल लैणा हाथ दे नाल, ते इहदे विच पा लैणा। हाँ हुण थोड़े थोड़े इहनां दा रंग ब्राउन होण लग पिया आ, इहनां नूं बस इदां थोड़ा थोड़ा हिलाउंदे रहना आ जद तक इह पूरे ब्राउन नहीं हो जाते ना, इदां हिलाउंदे रहना इहनां नूं। हुण इहदे विच पा देणा अदरक लसण दा जिहड़ा ना पेस्ट बनाया आ, इहनूं लसण दी पेस्ट पा दित्ती आ, इनू हूँ हिला थोड़ी देर। तो हूँ टाइम हो गया ये टमाटर तो हरी मिर्च, इन दोनों की पेस्ट बना के ना हरी मिर्च और टमाटर इनू भी बिच पा लेना, तो इनू भी थोड़ी देर सेक लेना। इदा थोड़ी देर इनू जो सेक लग जाता है ना, फिर टमाटर जोड़ा है अपना ऑयल तेल जहाँ थोड़ा थोड़ा छड़न लग पा, तो इस नाल जिहड़ी ग्रेवी आ उहदा थोड़ा जिहा अपना रंग आउंदा रहिंदा। ते गाइज इहनूं इदां ना आपां सेक देणा आ फुल फ्लेम दे उपर, धीमी आंच नहीं करनी। इदां आवाज़ ते बड़ा वधिया लगन लग पिया मैनूं तां, अज कीते सी ना पंखुड़ियां टाइप, इह विच पा देणे आ, इह वी थोड़े फ्राई हो जाऊगे। इदा इन थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना आ जब तक ये अच्छी तरह पक नहीं ना जाता। हूँ ये पाना स्वाद अनुसार नमक, फिर हल्दी, फिर लाल मिर्च, फिर कसूरी मेथी पानी ये विच, ये ना स्वाद विच होर बहुत स्वाद बन जाता है, इन सारे नूं मिक्स कर देना प्रॉपर, तो फिर इन थोड़ी देर सेकना। हुण इहदे विच पाउणी आ मलाई, दुध वाली जी मलाई होंदी है ना फ्रैश होवे, ये जरूर ध्यान रखना मलाई जिहड़ी फ्रैश मलाई चाहिए आ,
इनू पा के फिर इनू भी मिक्स कर देना दे विच। एक दो मिनट सेकण तो बाद हुण इहदे विच पा लिता दही। दही पा के इनू फिर दही हिलाउणा, फिर इनू हिलाउंदे ही रहना, दही फट ना ना जावे, इस करके इनू हिलाउंदे ही रहना दही नू, इदां थोड़ा थोड़ा हिलाउंदे ही रहना, तां सेकदे रहना इनू। इदां थोड़ा थोड़ा हिलाउण तो बाद देखो जिहड़ी मलाई पाई सीगी उहने थोड़ा ऑयल जिहा छड़ दित्ता, जिहड़ा दही पाया सीगा उहने, मतलब दोनों नू मिक्स करके सारिआं नू देख कितना वधिया टैक्सचर बन गया ना इह। ते फाइनली हुण इहदे विच पा दित्ते मशरूम। इदां पा के इहनां नू मिक्स करना प्रोपर, इदां थोड़े थोड़े हिलाउंदे रहना इहनां नू जद तक इह पूरे मिक्स नहीं हो जांदे। हुण इह मिक्स हो गए प्रोपर, तां इहनू ढकना, इहनू 5 मिंट ढक देना, इहनू इदां सेक लगण देना। ते गाइज देखो तुसीं थोड़ा जिहा सेक लगण तो बाद इन्होंने अपने आप पानी भी छड़ दिता। इहदे विच तुसीं ध्यान रखना तुसीं पानी नहीं पाउणा, इहदे विच पानी इहनां विचों अपने आप निकलदा हुंदा, तुसीं देख सकदे आ। तां देखो पानी होर निकल आया, इह पानी गाइज विचों ही निकलिया, आपां पाया नहीं जरा भी, इह देखियो। ते गाइज हुण तुसीं देख सकदे हो कि लगभग ये बन चुकी आ। ते गाइज हुण इहदे विच हरा धनिया पा के ते गरम मसाला पा के इहनू फिर थोड़ी देर इहदी सेक लगण देना। हुण इह तैयार हो गई जी मशरूम। ते गाइज हुण तुसीं देखिया घर दी रेसिपी कि वह मशरूम किद्दां बणाउंदे अरनव दे दादी। तो हुण असी तां खाणा आ नहा धो के, क्योंकि लंच असी उही करना आ, अज साडी एनिवर्सरी जो आ। ते गाइज तुसीं भी रेसिपी देख ली आ, ते जे तुसीं भी इहनूं ट्राई करूंगे बना के तां कमेंट करके दस्सिओ जरूर कि इह किद्दां दा बणिआ, ठीक है। बाकी मैनूं तां पता ही है किद्दां दा, क्योंकि मैं तां पहलां भी बड़ी वारी खा चुका, मैं तां ही अज दी रेसिपी तुहाडे नाल शेयर कीती। ते गाइज हुण मैं नहा धो के हो गया सी रेडी, ते हुण मैं अपने एक काम जाणा आ, ते उत्थों फिर जदों मैं फ्री होणा ते मैं 2:30 बजे अरनव नूं उहदे स्कूल तों भी लै आउणा। ते गाइज मैं हुण फ्री हो गया सीगा, ते हुण टाइम हो गया आ 2:15, ते मैं हुण अरनव नूं लैण जांदा पिया उहदे स्कूल तों। तो गाइज हुण अरनव नूं उहदे स्कूल तों लै लिया, ते हुण असीं चले आ कविश बविश नूं लैण, ते हुण सारिआं नूं लै लिया। बविश तूं कित्थे आ? मैं 7 सीटर बविश पिछे बैठा डिक्की दे विच, इह हुण असीं जांदे पए। तो गाइज मैं अरनव, अरनव की मम्मी, अरनव की दादी, असी जा रहे हैं अज गोल्डन टैंपल, तो आ हुण असी जा रहे हैं अमृतसर नूं। असी करतारपुर पहुँचे सीगे, इत्थों 1 घंटा लग जाना लगभग अमृतसर पहुँचते हैं। असी अमृतसर के गोल्डन गेट के अंदर एंट्री करन लगे, ये असी कर गए अमृतसर एंटर। गाइज ये असी गोल्डन टैंपल वाले रोड पर पहुँच गए हैं। ये अरनव, अरनव की दादी और अरनव के मम्मा जा रहे हैं। ये देखो एंट्री बहुत सोहनी बन चुकी है हुण जी। अरनव की दादी, अरनव के मामा आ रहे हैं। अरनव देखो कितना पंगे ले रहा। हाँ देखो गाइज कितना सोहना लगता हुण, इत्थे इस टाइम आने का बहुत मजा आया। हाँ देखो अरनव, असी पहुंच गए हैं हम गोल्डन टेंपल के बिल्कुल कोल। गाइज ये पिछे जलियां वाला बाग आ, ते इधर गोल्डन टेंपल का रास्ता, सारिया शॉप इदा दियां बड़िया है इत्थे।
इको थीम दिता है ना सारी साइड से। ते गाइस ए एंट्री हो गई गोल्डन टेंपल्स। ये सामने तुसी देख सकते हैं गोल्डन टेंपल दे बाहर का दृश्य। ये गाइस हुण पहुंच गए सी गोल्डन टेंपल। इधर जोड़ा घर दे विच जुत्ते जमा कराने सी। गाइज हुण इत्थे खड़े सीगे ते अर्णव इत्थे बैठा आ। अर्णव अर्णव क्या हुआ? गाइज इत्थों दर्शन बड़े सोहने हो रहे सीगे ते मैं कहा तुहानू भी एक वारी दर्शन करवा दईए। जो इत आ जाते हैं तो दिल ही नहीं करता कि होर जाने। आ देख लो अर्णव कि दादी ना पंगे लै रहा है। ये देखो अर्णव बैठा हुआ है इत्थे दरबार साहब दर्शन कर रहा है। गाइस अज साडी एनिवर्सरी सी ते असी इत्थे दरबार साहब आए सी मत्था टेकने। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਮੇਘਨਾ ਅਤੇ ਅਰਨਵ ਦੀ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਆਹ ਅਰਨਵ ਬੈਠਾ। अज दरबार साहब दे विच बहुत वधिया सानू लंगर की सेवा करन दा मौका मिलिया। मैं भी पेड़े किए, अर्णव ने भी किए, मेघना ने भी रोटियां वेलियां, अर्णव की दादी ने भी इत्थे सानू लंगर की सेवा करन दा मौका मिलिया। तो अर्णव अजे भी बैठा आ, ये नहीं उठता, ये अजे भी बैठा आ। तो गाइज हुण असीं मत्था टेक के वापस जाते पे हाँ। इत्थों वापस जाण दा रस्ता ते ओ गोल्डन टैंपल, इधर असी वापस जा रहे हैं। असी वापस जा रहे हैं हुण। हुण आए सी इत्थे ते शॉपिंग ना होवे, तुसी देख ही रहे होणे आ। हुण इत्थे अमृतसर दी पंजाबी जुत्तियां बहुत फेमस हन। ये अर्णव खड़ा है इत्थे, ये तुसी देख सकते हो अमृतसर की मार्केट। इधर शॉपिंग होने लग पई आ।
गाइज हूँ असं अमृतसर तो जा रहे जलंधर न वापस तो यह आ गया सामने अमृतसर का गोल्डन गेट। पहला असं इतों एंटर किए हूँ असं इतों एग्जिट कर लगे हाँ। आज देख सकते हैं तो गाइज हूँ असं घर पहुँच चुके हैं तो अर्नव देखो पंगे लै रहा है उतो ना एक पैराशूट जहा लैके आया इनू हूँ यह पता नहीं लगता पे उड़ा कि टाइम हो गए 11:10 तो गाइज हूँ असी सौने तद तक अर्नव यह उड़ा तो तू सार गुड नाइट। जे ब्लॉग चंगा लगा लाइक तो शेयर सबसक्राइब जरूर करियो बाकी थैंक यू ये को नहीं अज उड़ता तो को नहीं उड़ता।